हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक एंड रेलवे एसएससी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शैवाल के बारे में, यानी जिसे हम इंग्लिश में एल्गी कहते हैं। दोस्तों, ऐसे तो हम पादप जगत के बारे में पढ़ना है दोस्तों, प्लांट किंगडम के बारे में हमें जानकारी हासिल करना है, लेकिन उसी प्लांट किंगडम के अंतर्गत शैवाल यानी एल्गी आता है। तो आज हम लोग एल्गी के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ पादप जगत के अंतर्गत कौन कौन सा जगत आता है, कौन कौन सारा आता है दोस्तों, ठीक है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। दोस्तों, हमारे चैनल का नाम है एग्ज़ाम टेक एंड रेलवे एसएससी में, ठीक है दोस्तों, ये हमारे चैनल है। और दोस्तों, इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है दोस्तों, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली आपको करीब 15 से 20 क्वेश्चन का सेट डेली मिलेगा दोस्तों, अभी की साइंस का, ठीक है, जो कि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में रामबाण साबित होंगे दोस्तों। तो मैं उस टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दे दूँगा दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, जो भी आपको हैं, ठीक है, उसे भी आप ज्वाइन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, क्या है देखिए आज के सेशन में। देखिए दोस्तों, शैवाल के बारे में मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पहले आपको समझना है, पहले आपको समझना है पादप जगत के बारे में, ठीक है, या कह लीजिए पादप शरीर के बारे में, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो आपका पादप शरीर जो होता है उसे दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, एक है बिना विभेदन के, मतलब किसी तरह का बंटवारा नहीं, ठीक है, और दूसरा तरफ क्या है, विभेदित शरीर, मतलब इसमें डिवाइडेशन होगा, ठीक है। उसके बाद बिना विभेदन में आपका एक कैटेगरी क्या है, थैलोफाइटा, ठीक है, थैलोफाइटा का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, मैं थैलोफाइटा के बारे में पढ़ाऊँगा दोस्तों, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद फिर क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आगे चलकर विभेदित शरीर को भी दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट नंबर क्या है, संवहन तंत्र रहित है, ठीक है, संवहन तंत्र आप एक तरीका से जाइलम फ्लोएम समझ सकते हो, ठीक है, फिलहाल के लिए, तो संवहन तंत्र रहित होता है। और दूसरी तरफ क्या है, संवहन तंत्र सहित होता, मतलब संवहन तंत्र का होना, ठीक है। उसके बाद आपको संवहन तंत्र का एक पार्ट से ब्रायोफाइटा, मैं ब्रायोफाइटा के बारे में आगे आपको बताऊंगा, ठीक है, ब्रायोफाइटा। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद है दोस्तों संवहन तंत्र सहित, तो संवहन तंत्र का भी दो को कट यहाँ पर आपको बांटा गया है दो भागों में, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या है, बीज रहित, और सेकेंड क्या है, बीज सहित, मतलब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें बीज नहीं होते हैं, ठीक है, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें बीज होते हैं, ठीक है। तो बीज रहित का पार्ट्स कौन है दोस्तों, टेरिडोफाइटा, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा दोस्तों, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थाइलोफाइटा, ठीक है, ये सारा कुछ आपने पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखिए दोस्तों, बीज सहित को भी दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट क्या है, नग्न बीजी, और सेकेंड क्या है, आवृत बीजी। ये पूरी डिटेल से मैं पढ़ाऊँगा दोस्तों, पूरा डिटेल डिस्क्रिप्टिव से मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपका नग्न बीजी का भी एक पार्ट से जिम्नोस्पर्म, और आपका आवृत बीजी का पार्ट कौन है, एंजियोस्पर्म। कभी कभी आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ सकता है दोस्तों कि नग्न बीजी का पार्ट्स कौन है, तो आपका जिम्नोस्पर्म और आवृत बीजी का पार्ट्स कौन है, एंजियोस्पर्म। ये जिम्नोस्पर्म क्या होता है, एंजियोस्पर्म क्या होता है, आगे पढ़ाऊँगा दोस्तों, आगे पढ़ना है, फिलहाल आप आगे ध्यान दीजिए। देखिए, उसके बाद आपको एंजियोस्पर्म को भी दो भागों में बांटा गया है, एक है एक बीजपत्री, ठीक है, एक बीजपत्री, और सेकंड क्या है, द्विबीजपत्री, ठीक है, मतलब एक बीज वाला, और फिर दूसरा क्या है, दो बीज वाला, ठीक है, एक बीज वाला और दो बीज वाला, ठीक है दोस्तों। देखिए, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, पादप शरीर का आपका कैसे डिवाइडेशन किया गया है, कैसे उसको बांटा गया है, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए, अब हम शैवाल के बारे में जानते हैं, लेकिन शैवाल जानने से पहले मैं थोड़ा सा आपको थाइलोफाइटा के बारे में बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है, थाइलोफाइटा के बारे में, ठीक है। तो थाइलोफाइटा के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, देखिए
आपका जो थायलोफाइटा है दोस्तों, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है, थायलोफाइटा, ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कहा जाता है दोस्तों कि थायलोफाइटा के अंतर्गत आपका, ध्यान दीजिए कौन कौन आता है, एक सेकंड, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो चुका है, थोड़ा सा रुकिएगा एक सेकंड। देखिए ध्यान दीजिए, तो दोस्तों आपका थायलोफाइटा, ठीक है, तो थायलोफाइटा के अंतर्गत आपका एल्गी आता है दोस्तों, ठीक है, एल्गी जिसे हम शैवाल कहते हैं, एल्गी आता है। आपने कवक का नाम सुना होगा जिसे इंग्लिश में फंगी कहा जाता है, और कवक के बारे में मैं आपको बिल्कुल विस्तृत तरीके से बता चुका हूँ। आपको अगर वीडियो देखना है दोस्तों तो आप जाकर पिछले वाले वीडियो को जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया गया है। और इसके अंतर्गत बैक्टीरिया भी आता है दोस्तों, ठीक है, तो मैं बैक्टीरिया भी आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ा चुका हूँ, बैक्टीरिया का 3 पार्ट्स मैं पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, तो आप जाकर बैक्टीरिया के बारे में वहाँ से जानकारी हासिल कर सकते हैं, वीडियो आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, थायलोफाइटा के अंतर्गत एल्गी आता है दोस्तों, कवक आता है, बैक्टीरिया आता है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, थायलोफाइटा का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं होता है, ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों। थायलोफाइटा का मतलब क्या होता है, फाइटा मतलब होता है आपका, तो ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा, थायलोफाइटा मतलब क्या होता है, फाइटा मतलब होता है पेड़ पौधा, ठीक है, और थायलस मतलब क्या होता है, थायलस मतलब होता है कि वैसा बॉडी स्ट्रक्चर जिसका जड़, ठीक है, तना, ठीक है, और पत्ती में विभाजित ना हो, उसे ही कहा जाता है थायलस कहा जाता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसे ही, ये आपका थायलोफाइटा के बारे में था दोस्तों। अब इसी थायलोफाइटा के अंतर्गत कौन आता है, शैवाल, तो शैवाल के बारे में हमें जानना है कि शैवाल क्या होता है, तो ध्यान दीजिए शैवाल यानी एल्गी के बारे में, ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, शैवाल के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप उसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ये आपका किसका फिगर है, एल्गी का स्ट्रक्चर है दोस्तों, इसमें क्या क्या होता है थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। ये जो आपका दिया हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जो आपको जो बाहर वाला जो परत दिखाई दे रहा है वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जिसे हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं हिंदी में। और ये जो आपका रेड कलर का दिखाई दे रहा है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक, ठीक है। और ये पोर्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे आपको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है, ये जो आपको पूरा दिख रहा है दोस्तों, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये आपका क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। और ये जो आपका ग्रीन कलर जो राउंड शेप का दिख रहा है, इसे बोलते हैं स्टार्च ग्रेन, ठीक है, ये भोजन, ठीक है, स्टार्च ग्रेन है, ठीक है दोस्तों, तो ये एल्गी का स्ट्रक्चर है, देखिए दोस्तों। और ये जो आपको यहाँ पर जो फिगर में जो आपको ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर हरा कलर का जो दिख रहा है, ये आपका ग्रीन एल्गी है, ठीक है, ये भी आपका एल्गी ही है, ठीक है, तो आप फिगर में भी देखकर समझ सकते हो। तो चलिए एल्गी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है एल्गी के बारे में, शैवाल या एल्गी पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव है, ठीक है, ये आपका कैसा है, तो ये आपका सरल जलीय जीव है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है, ठीक है, यानी ये क्या करेगा, ये आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा दोस्तों, यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इसमें होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है, बताइए, फाइकोलॉजी, ठीक है, ये बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों, शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि शैवाल प्रायः हरित लवक युक्त होते हैं, ठीक है, यानी इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है कि ये शैवाल में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। और ये स्वपोषी होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, स्वपोषी होते हैं यानी ऑटोट्रॉप्स होते हैं। स्वपोषी कहने का मतलब होता है जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करता है, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं यानी ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको एक चीज़ और याद रखना, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें दोस्तों आपका एक चीज़, संवहन ऊतक रहित होता है, ठीक है,
इसमें संवहन उत्तक नहीं होता है, ठीक है, संवहन उत्तक नहीं होता यानी रहित होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें संवहन उत्तक नहीं होता है, ठीक है। आगे बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को, ठीक है, वैसे शैवाल जो कहाँ पर आइस, ठीक है, जो शैवाल आइस पर पाए जाते हैं, बर्फ पर पाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है क्रिप्टोफाइट्स। क्या कहेंगे? क्रिप्टोफाइट्स, ठीक है, ये एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आइस पर उगेगा उसे क्रिप्टोफाइट्स बोलेंगे, और चट्टानों पर पाए जाने वाले शैवाल को लिथोफाइट्स, ठीक है, ठीक है, जो रॉक यानी चट्टान पर, ठीक है, जो चट्टानों पर शैवाल उगेंगे उसे क्या बोलेंगे? लिथोफाइट्स बोलेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसके हैबिटेट, ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा। अब अगला टॉपिक है हैबिटेट यानी आवास के बारे में, ठीक है, कि शैवाल कहाँ पाए जाते हैं। तो शैवाल के बारे में कहा जाता है कि ये ताज़ा जल यानी फ्रेश वाटर, ठीक है, जहाँ जहाँ आपका क्या होगा दोस्तों, फ्रेश वाटर, तो वहाँ आपका शैवाल पाया जाएगा। इसके अलावा समुद्री जल यानी मेराइन वाटर, तो ये मेराइन वाटर में भी स्थित होता है, तो याद रखिएगा मेराइन वाटर, ठीक है। इसके अलावा गर्म जल यानी हॉट वाटर जो आपका है, ठीक है, तो हॉट वाटर में भी यह पाया जाता है। इसके अलावा आपका जो झरना जो होता है दोस्तों, ठीक है, झरना में भी पाया जाता है, ठीक है, जो गर्म जल का झरना होता है वहाँ पर भी ये मौजूद होता है। इसके अलावा जो नमी युक्त स्थान जो होता है, नमी युक्त स्थान, तो नमी युक्त स्थानों पर भी ये पाए जाते हैं। इसके अलावा कीचड़, ठीक है, कीचड़ पर भी ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये आपको नदियों में भी मिल जाएंगे, ठीक है, जो आपका नदी है, नदी में भी, ठीक है। इसके अलावा तालाब, तो तालाब में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है, तो इन सारे जगहों पर ये पाए जाते हैं। इसके अलावा ये पेड़ों के तनों तथा चट्टानों पर भी पाए जाते हैं, ठीक है, आपका चट्टान हो गया तो चट्टान पर भी ये मौजूद रहेंगे। इसके अलावा ट्री यानी पेड़ों पर भी ये मौजूद होते हैं, ठीक है, शैवाल। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि कुछ शैवाल जो होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, कुछ शैवाल आपका एपिफाइट्स होता है, ठीक है, एपिफाइट्स, या हिंदी में बोलेंगे तो अधिपादप, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि कुछ शैवाल जो होते हैं वो दूसरे पौधों पर पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे शैवाल जो होंगे फ्रेंड्स, ठीक है, कुछ शैवाल ऐसे पाए जाते हैं जो दूसरे पौधों पर उगते हैं, ठीक है, दूसरे पौधों पर पाए जाते हैं, जैसे में भी कुछ शैवाल का नाम है, तो ध्यान दीजिए कौन शैवाल है। देखिए उस शैवाल का नाम है उडोगोनियम, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उडोगोनियम है दोस्तों। एक है प्रोटोडर्मा, ठीक है, प्रोटोडर्मा, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये दूसरे पौधों पर पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एक ऐसा शैवाल है जो कछुए के पीठ पर उगता है, ठीक है, मतलब कुछ शैवाल ऐसे होते हैं दोस्तों जो कछुआ के पीठ पर, ठीक है, कछुआ के पीठ पर भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिए, अच्छा, एक आपने एक शैवाल का नाम सुना होगा, उसका नाम है क्लेडोफोरा, ये एक शैवाल का नाम है दोस्तों। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो शैवाल है दोस्तों, क्लेडोफोरा नामक शैवाल, घोंघा, आपने घोंघा का नाम सुना होगा दोस्तों, ठीक है, जैसे इंग्लिश में स्नेल कहा जाता है, तो ये घोंघा के ऊपर रहता है, ठीक है। क्लेडोफोरा जो होता है वो किसके ऊपर होता है, तो ये घोंघा के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि कुछ शैवाल जंतुओं के शरीर के अंदर भी वास करते हैं, जैसे में जू कुलेरेला, ठीक है, ये एक शैवाल है दोस्तों, जू, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, जू कुलेरेला, ठीक है,
तो जू क्लेरेला जो होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, जंतुओं के शरीर के अंदर, ठीक है, यानी ये एनिमल के शरीर के भीतर पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आगे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, एक सेकंड दोस्तों, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान देना है, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ दोस्तों। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो परजीवी होते हैं, यानी पारासाइट होते हैं। कैसे होते हैं? पारासाइट, ठीक है। कुछ शैवाल पारासाइट होते हैं, यानी अपना भोजन का निर्माण वो स्वयं नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे में मैं यहाँ पर लिखता हूँ दोस्तों, इसे पढ़ते हैं दोस्तों, सीफेल्यूरोस, ठीक है, सीफेल्यूरोस, ठीक है। तो कुछ शैवाल परजीवी भी होते हैं, जैसे मैं आपको क्या कौन हो गया, सीफेल्यूरोस, जो चाय कॉफ़ी आदि के पत्तियों पर पाए जाते हैं, ठीक है। यानी ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये टी और कॉफ़ी, ठीक है, टी और कॉफ़ी के पत्तियों पर पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पेड़ों की छालों, दीवारों तथा चट्टानों आदि पर साइमेंसियलिया कवक पाए जाते हैं, ठीक है। एक कवक का नाम है दोस्तों, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, साइमन सीला। तो साइमन सीला एक ऐसा कवक है जो पेड़ों की छाल, ठीक है, जो पेड़ों की छालों पर, ठीक है, दीवारों पर, दीवार जो आपका हो गया दोस्तों, इसके अलावा चट्टान, ठीक है, चट्टान, तो चट्टान पर ये शैवाल पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक शैवाल है दोस्तों, उसका नाम है ऑसिलेटोरिया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑसिलेटोरिया एक शैवाल का नाम है जो मनुष्य एवं दूसरे जंतुओं के आंत में पाए जाते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये आंत में पाए जाते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। हमारे चैनल पर आपको बिल्कुल ये डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया जा रहा है बायोलॉजी दोस्तों, इससे बाहर आपको क्वेश्चन पूछने वाला भी नहीं दोस्तों। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं तो उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बायोलॉजी आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया जा रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों अगला टॉपिक है प्रमुख लक्षण, ठीक है, शैवाल का क्या क्या लक्षण है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि शैवाल का लक्षण क्या क्या है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि शैवाल का जो कोशिका भित्ति जो होता है दोस्तों, यानी सेल वाल, ठीक है, सेल वाल जो होता है वो किसका बना होता है, तो वो सेल्यूलोज का बना होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, सेल्यूलोज का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट आगे, शैवाल में भोज पदार्थों का संचय स्टार्च के रूप में होता है, ठीक है, किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में, ठीक है। शैवाल में जो भोजन का संचय जो होगा दोस्तों, किस रूप में होगा, तो वो स्टार्च के रूप में, यानी हिंदी में हम मंड कहते हैं, तो मंड के रूप में होता है। नेक्स्ट पॉइंट आगे ध्यान रखना है, ये अधिकांशतः जलीय होते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं, तो ये ज़्यादातर जलीय होते हैं दोस्तों, जल में ही निवास करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि कुछ शैवाल नमी युक्त स्थानों पर भी पाए जाते हैं। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों कि कुछ शैवाल ऐसे जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो नमी युक्त स्थानों पर भी पाए जाते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रायः हरा वर्णक उपस्थित होता है, ठीक है, कैसा वर्णक होता है, तो ग्रीन पिगमेंट, ठीक है, शैवालों में कैसा पिगमेंट पाया जाता है, तो आपका पाया जाता है ग्रीन पिगमेंट दोस्तों, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल यानी इसमें मौजूद होता है। नेक्स्ट पॉइंट आगे ध्यान दीजिए, शैवालों में तीन प्रकार के पिगमेंट होते हैं दोस्तों, तीन तरह का पिगमेंट मतलब रंग समझ लीजिए आप, ठीक है, कौन कौन, तो एक आपका पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, ठीक है, ग्रीन, उसके बाद रेड और उसके बाद ब्राउन, ठीक है, इसी कारण से आपका शैवाल जो होता है दोस्तों ग्रीन पिगमेंट होता है तो वो ग्रीन हो जाता है, रेड रहेगा तो रेड हो जाएगा, ब्राउन होगा तो वो ब्राउन शैवाल हो जाएगा,
ठीक है। इन्हीं तीन वर्णकों के आधार पर शैवालों को तीन प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है। मतलब इन तीनों के आधार पर, ठीक है, तीनों पिगमेंट के आधार पर शैवाल को तीन भागों में बांटा गया। तो वो तीन भाग कौन कौन है दोस्तों, जो आपको इन तीनों पिगमेंट के आधार पर बांटा गया है शैवालों को, तो ध्यान दीजिए कौन कौन है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फर्स्ट नंबर ध्यान दीजिए, फर्स्ट नंबर है दोस्तों क्लोरोफाइसी, ठीक है। फर्स्ट नंबर आपका कौन है, क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी जो होता है, इस क्लोरोफाइसी जो शैवाल जो होता है, इसमें कौन पिगमेंट होता है, तो ये ग्रीन पिगमेंट होता है। कैसा पिगमेंट होता है, तो इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड नंबर, उसके बाद है दोस्तों रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी शैवाल में कैसा वर्णक होता है, तो रेड वर्णक होता है, ठीक है, रेड पिगमेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए, देखिए, और थर्ड आपका लास्ट है, ठीक है, लास्ट आपका है फियोफाइसी। इसे पढ़ते हैं फियोफाइसी। तो इसमें कैसा पिगमेंट होता है, तो ब्राउन पिगमेंट होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। तो अगर समझ में आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों और लाइक कर दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक क्या है शैवाल में, नेक्स्ट है दोस्तों रिप्रोडक्शन के बारे में, कि आखिर शैवाल जो होते हैं किन किन विधियों द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी प्रजनन करने का काम करते हैं, ठीक है। अब ये प्रजनन क्या होता है दोस्तों, तो प्रजनन जो होता है वैसी क्रिया जिसके द्वारा जो आपका जीव जो होते हैं वो संतान की उत्पत्ति करते हैं, उसी प्रोसेस को कहा जाता है प्रजनन कहा जाता है। ऐसे में रिप्रोडक्शन चैप्टर विस्तार से आपको पढ़ाऊँगा दोस्तों, फिलहाल आप ध्यान दीजिए। इसमें कहा जाता है दोस्तों कि शैवालों में निम्नलिखित तीन प्रकार के प्रजनन की क्रिया होते हैं, कौन कौन। तो फर्स्ट नंबर है आपका वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, हिंदी में बोलेंगे कायिक प्रजनन, ठीक है, बस आपको नाम याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका होता है दोस्तों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हिंदी में कहा जाता है अलैंगिक जनन। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दोस्तों क्या अलैंगिक क्या होता है, ठीक है। ऐसे भी मैं रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर भी बताऊँगा, ठीक है। और उसके बाद होता है सेक्सुअल, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हिंदी में कहा जाता है लैंगिक प्रजनन। तो तीन तरह का प्रजनन होता है दोस्तों, जो किस में संपन्न होता है, तो शैवालों में संपन्न होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आगे ध्यान देते हैं, यहीं पर रिप्रोडक्शन था दोस्तों। देखिए दोस्तों आगे ध्यान दीजिए, अगला टॉपिक है शैवाल के बारे में ही, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी, ठीक है, शैवालों का आर्थिक महत्व, ठीक है, यानी शैवाल से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या उसका लाभ है शैवाल का। तो ध्यान दीजिए क्या क्या शैवाल से फ़ायदे होते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि शैवाल का उपयोग जो होता है वो फूड, ठीक है, फूड यानी भोजन के रूप में भी किया जाता है। तो अभी इसमें भी बहुत सारा पॉइंट्स है दोस्तों, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि जापान के निवासी अलबा, ठीक है, जापान के एक निवासी हैं कौन, अलबा, ठीक है। तो जो अलबा जो होते हैं दोस्तों, अलबा भूरे शैवाल का उपयोग सलाद के रूप में करते हैं, ठीक है, किसका, तो ब्राउन, ठीक है, जो ब्राउन एल्गी जो होता है उसका उपयोग करते हैं जापान के लोग, किस रूप में, सलाद के रूप में करते हैं। इसी कारण से अलबा को समुद्री सलाद कहा जाता है, ठीक है, अलबा को क्या बोलेंगे, समुद्री ठीक है समुद्री सलाद। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, आपका एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा कि चीन के निवासी नोस्टोक नामक शैवाल को भोजन के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, एक शैवाल का नाम है दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नोस्टोक। तो नोस्टोक शैवाल का यूज किस देश के लोग करते हैं? तो चाइना। ठीक है, चीन के लोग यूज करते हैं नोस्टोक, ठीक है, भोजन के रूप में, याद रखिएगा। उसके बाद है दोस्तों स्कॉटलैंड का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, स्कॉटलैंड। तो इसके बारे में कहा जाता है कि स्कॉटलैंड में रोडोमेरिया पलमेटा नामक शैवाल का प्रयोग तंबाकू की भांति किया जाता है। एक आपका है दोस्तों रोडो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रोडोमेरिया पलमेटा, ये शैवाल का नाम है पलमेटा। तो इस शैवाल का प्रयोग करते हैं किस रूप में? तो ये तंबाकू के रूप में, यानी टोबैको के रूप में, ठीक है, टोबैको के रूप में। रोडोमेरिया पलमेटा का यूज टोबैको के रूप में कहाँ के लोग करते हैं? तो स्कॉटलैंड के निवासी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि जो आपका शैवाल जो होता है, ठीक है, शैवाल में आपका कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ और विटामिन ए सी डी ई, ठीक है, आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिस कारण इनका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। तो याद रखिएगा शैवाल में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट है, अकार्बनिक पदार्थ है, इसके अलावा विटामिन ए सी डी ई, इतना सारा विटामिन मौजूद होता है, इसी कारण से आपका शैवाल का प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि शैवाल का प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है और कैसे कैसे किया जाता है, इसमें क्या क्या नाम आया है, वो सारे चीज़ मैं यहाँ पर बता चुका हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इन इंडस्ट्री, ठीक है, कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इंडस्ट्री में, यानी व्यवसाय में किया जाता है। अब कैसे कैसे किया जाता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, आपने एक शैवाल का नाम सुना होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, एगार एगार नामक पदार्थ लाल शैवाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये एक पदार्थ का नाम है दोस्तों, ठीक है, ये एक पदार्थ का नाम है एगार एगार, जो किससे प्राप्त किया जाता है? तो रेड, ठीक है, रेड एलगी से, ठीक है, रेड एलगी से प्राप्त किया जाता है, जो प्रयोगशाला में पौधे के संवर्धन, ठीक है, आइसक्रीम आदि में यूज किया जाता है। तो यह ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसका प्रयोग, यानी एगार एगार पदार्थ का प्रयोग किसके रूप में, किस में किया जाता है? तो आपका पौधे के संवर्धन में किया जाता है, आइसक्रीम बनाने में भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यह पदार्थ यानी कहने का मतलब जो एगार एगार के बारे में, ठीक है, तो जो एगार एगार पदार्थ होते हैं दोस्तों, वो ताप रोधक होता है। कैसा होता है? तो ताप रोधक, ठीक है, इसके अलावा ध्वनि रोधक, ठीक है, यानी ध्वनि को भी रोक के रख सकता है, ध्वनि रोधक हो गया, ठीक है, ध्वनि रोधक, कृत्रिम रेशे, कृत्रिम रेशा, चमड़ा, ठीक है, चमड़ा हो गया, तो ये सब कामों में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इन सारे कार्यों में प्रयोग किया जाता है किसका? एगार एगार नामक पदार्थ को, ठीक है, जो आपको किस शैवाल से प्राप्त होता है? तो लाल शैवाल से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आगे कहा जाता है कि सार गैसम जो आप समझ लीजिए,
ठीक है, सारगैसम नामक शैवाल से जापान में कृत्रिम ऊन तैयार किए जाते हैं। ठीक है, कहाँ तो जापान में, कैसा तो कृत्रिम ऊन, ठीक है, कृत्रिम ऊन बनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना आपको सारगैसम से। नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए, आगे फ्रेंड्स कि एलिजन नामक पदार्थ शैवाल से प्राप्त किया जाता है। एलिजन एक पदार्थ का नाम है, एलिजन, तो एलिजन जो पदार्थ जो प्राप्त किया जाता है किससे प्राप्त किया जाता है, तो शैवालों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जो वल्केनाइजेशन, टाइपराइटर के रोलर तथा आज्वलनशील फिल्म के निर्माण में काम आता है। यानी आपको बस इतना ध्यान में रखे, ठीक है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि एलिजन नामक पदार्थ का जो पदार्थ जो होता है वो किससे तैयार किया जाता है, तो शैवाल से यूज किया, सॉरी, शैवाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जिसका प्रयोग कहाँ 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 किया जाता है, तो टाइपराइटर जो होता है दोस्तों, टाइपराइटर, तो टाइपराइटर का जो रोलर जो होता है, तो उस रोलर में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है दोस्तों, आपने नाम सुना होगा कैराड्रस, एक शैवाल का नाम है कैराड्रस। ठीक है, कैराड्रस नामक शैवाल से, ठीक है, एक पदार्थ बनता है दोस्तों, उस पदार्थ का नाम है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, केरोगेनिन। थोड़ा सा सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा फ्रेंड्स कि कैराड्रस नामक शैवाल से क्या, कौन सा पदार्थ बनता है, तो कैरोगेनिन नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो कॉस्मेटिक सामान बनाने में। ठीक है, कॉस्मेटिक सामान, ठीक है, जो श्रृंगार का सामान जो होता है दोस्तों, कॉस्मेटिक सामान हो गया, शैम्पू बनाने में, ठीक है, शैम्पू के निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा जो आपका जूता जो होता है, जूता के पॉलिश में, ठीक है, कहाँ किया जाता है, तो जूता के पॉलिश में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों यही था आपका व्यवसाय यानी इंडस्ट्री के रूप में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, थर्ड पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि इसका प्रयोग जो होता है कृषि क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, तो कृषि क्षेत्र में भी शैवाल का प्रयोग किया जाता है। तो कैसे कैसे किया जाता है, तो ध्यान दीजिए, कहा जाता है दोस्तों कि नॉस्टॉक, एनाबीना आदि शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता रखते हैं। कौन कौन शैवाल है दोस्तों, एक नॉस्टॉक है और एक एनाबीना, ठीक है, तो इसमें कैसा क्षमता पाया जाता है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंग्लिश में बोलेंगे तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्षमता पाया जाता है किसमें, नॉस्टक और एनाबीना। ठीक है, तो इन दोनों शैवाल में पाया जाता है। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है दोस्तों, मैं बार बार बता चुका हूँ कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि वायुमंडल का नाइट्रोजन जो होता है किसमें बदल जाता है, नाइट्रेट में बदल जाता है दोस्तों, तो यही आपका होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नेक्स्ट पॉइंट आगे ध्यान दीजिए, देखिए नील हरित शैवाल जो होता है दोस्तों, यानी जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है, ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी का उपयोग ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाने में किया जाता है। ठीक है, मतलब जो भूमि खराब होते हैं तो उपजाऊ बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, उपजाऊ, तक किस शैवाल से, तो ब्लू ग्रीन एल्गी से। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, अब आगे आगे कहा जाता है कि कुछ शैवालों का उपयोग खाद बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, कुछ शैवाल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो खाद के निर्माण में भी किया जाता है दोस्तों। तो यही आपका कृषि क्षेत्र में होगा दोस्तों, इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, फोर नंबर आपको ध्यान में रखना है कि औषधि के रूप में, ठीक है, कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो औषधि के रूप में, ठीक है, औषधि के रूप में भी किया जाता है। जैसे जैसे आपने नाम सुना होगा कारा, ठीक है, कारा है, नाइट्रीला नामक शैवाल का प्रयोग किया जाता है, मलेरिया में किया जाता है दोस्तों। कहाँ किया जाता है, तो मलेरिया में,
तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। मलेरिया में किया जाता है किसका किसका, तो कारा है, नाइट्रेला है, इसका प्रयोग किया जाता है किसमें, तो मलेरिया में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आगे, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस है और कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा हुआ है, क्लोरेला नामक शैवाल से, क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक बनाया जाता है, ठीक है। यह बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि आपका किस शैवाल से आपका क्लोरेलिन, ठीक है, क्लोरेलिन बनाया जाता है, तो आपको जवाब क्या देना है, तो क्लोरेला, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। आप 5 पॉइंट ध्यान में रखिए, पांचवा पॉइंट क्या है, तो उस शैवाल का प्रयोग जो होता है दोस्तों, वो अनुसंधान कार्यों के लिए भी किया जाता है। कहाँ किया जाता है, तो अनुसंधान कार्यों के लिए, तो ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अनुसंधान कार्यों में भी आपका किसका प्रयोग किया जाता है, शैवाल का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा 6 पॉइंट आपको ध्यान में ये रखना कि कुछ शैवाल का प्रयोग जो होता है दोस्तों, वो मवेशियों, ठीक है, मवेशियों के चारा, ठीक है, मवेशियों के चारा के रूप में भी किया जाता है, ये ध्यान में रखना। और लास्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि कुछ शैवाल का प्रयोग जो होता है वो भूमि, ठीक है, भूमि निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये सब इसका यूजेज है दोस्तों, ठीक है, शैवाल का ही सब प्रयोग है, यूजेज है, ठीक है, इससे फ़ायदा हो, फ़ायदे हैं ये सब, ठीक है, एडवांटेज है शैवाल का, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बस थोड़ा सा पॉइंट और ध्यान दीजिए आगे, देखिए दोस्तों, आपने लाभदायक शैवालों के बारे में पढ़ लिया कि शैवाल से क्या क्या फ़ायदे हैं, अब शैवाल से कुछ हानि भी होता है दोस्तों, तो हानि क्या होता है, तो हानि के बारे में भी जान लीजिए, ठीक है, हानिकारक शैवाल के बारे में। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, हानिकारक शैवाल, ठीक है, हानिकारक शैवाल, तो ध्यान दीजिए, हानिकारक शैवाल मतलब इससे क्या क्या हानि होते हैं। तो कहा जाता है फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि कुछ शैवाल जलाशयों में प्रदूषण को बढ़ाते हैं, मतलब पॉल्यूशन करने का भी ये कार्य करता है, कौन करता है, तो शैवाल करता है, जिससे जलाशयों का जल पीने लायक रहता नहीं है। ये शैवाल एक प्रकार का विष का परित्याग करते हैं, जिसके कारण से जलाशय की मछलियाँ मर जाती है। तो बस आपको एक पॉइंट में ये ध्यान रखना है कि इससे हानि क्या होता है, तो ये वाटर को दूषित कर देता है, जल को दूषित करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान में याद रखना दोस्तों, एक शैवाल का नाम है सिफिल्यूरस, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, सिफिल्यूरस, ठीक है, सिफिल्यूरस नामक शैवाल जो है दोस्तों, चाय के पौधे पर लाल कीट रोग नामक पादप रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो शैवाल जो होता है, ठीक है, ये चाय के पौधों पर रोग उत्पन्न करता है, और उस रोग का क्या नाम है, लाल कीट रोग, इंग्लिश में बोलेंगे तो रेड ब्लस्ट, रेड रस्ट, RED रेड, और RUST रस्ट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट पॉइंट ध्यान दीजिए, देखिए, वर्षा ऋतु के दौरान शैवालों के कारण भूमि हरा रंग का हो जाता है, ठीक है, कैसा हो जाएगा, बरसात के दिन में कैसा कलर का हो जाएगा, तो ग्रीन कलर का हो जाएगा, जिसके कारण से फिसलाव बढ़ जाता है दोस्तों, क्या बढ़ जाता है, तो फिसलाव, ठीक है। तो ये सारा कुछ हानि होता है दोस्तों शैवालों से। तो दोस्तों ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ और भी पॉइंट्स है दोस्तों, ठीक है, करीब आपका 10-11 पॉइंट्स और है जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, तो उन सभी पॉइंट्स को भी हम लोग देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए आगे, देखिए यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क
कहा जाता है दोस्तों एसीटा बलेरिया सबसे छोटा एक कोशिकीय शैवाल है, ठीक है, सबसे स्मॉल है दोस्तों, ठीक है, और कैसा है तो यूनि सेलुलर है। तो आपसे पूछ सकता है कि सबसे छोटा एक कोशिकीय शैवाल कौन हो जाएगा, तो आपको जवाब देना है एसीटा बलेरिया, ये सबसे छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़िए। माइक्रोसिस्टिस सबसे बड़ा शैवाल है, ठीक है, ये कैसा है तो सबसे बड़ा शैवाल है, इस शैवाल को दैत्याकार समुद्री घास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन बन सकता है, दैत्याकार समुद्री घास, ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है, घास है, ठीक है। तो माइक्रोसिस्टिस जो होता है सबसे बड़ा शैवाल है, इसे कहा जाता है दैत्याकार समुद्री घास कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों सबसे छोटा गुणसूत्र जो होता है ट्रिलियम नामक शैवाल का होता है, ठीक है, छोटा गुणसूत्र किसका होता है, सबसे छोटा गुणसूत्र जो होता है किसका होता है, ट्रिलियम, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, ये एक एक नंबर में पूछ सकता है दोस्तों, एक एक नंबर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए ध्यान दीजिए आगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल धान के खेत में पाए जाते हैं, ठीक है, इस थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, वो कहाँ पाया जाता है, तो वो धान के खेत में पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिए दोस्तों, ठीक है, क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यानी इसे क्या कहा जाता है, स्पेस एल्गी, तो ये भी एक नंबर के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है, क्लोरेला को क्या कहा जाता है, स्पेस एल्गी कहा जाता है, तो अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यान के केबिन के हाउज में इसे उगा कर प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है, तो भोजन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, कहाँ, अंतरिक्ष में इसका प्रयोग किया जाता है, इसी कारण से क्लोरेला नामक शैवाल को स्पेस एल्गी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों कि जो आपका ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ब्लू ग्रीन एल्गी का नया नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, इसका नया नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया बोलिए चाहे आप नील हरित शैवाल बोलिए, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलिए, वो एक ही चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों आप ज़्यादा नहीं, आप थोड़ा सा लास्ट पॉइंट ध्यान दीजिए। बस लास्ट पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि माइक्रोसिस्टिस, ठीक है, ये माइक्रोसिस्टिस और ऑसिलेटोरिया, ये दोनों जो शैवाल जो होता है दोस्तों, ठीक है, ये दोनों जो शैवाल है, ठीक है, माइक्रोसिस्टिस है और ये पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसका नाम है दोस्तों नैरियोसिस्टिस, ठीक है, नैरियोसिस्टिस, इसे क्या कहा जाता था, इन दोनों को कहा जाता है जाइंट केल्प्स, ठीक है, जाइंट केल्प्स कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो आज का सेशन अगर आपको पसंद आया दोस्तों तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों कि बायोलॉजी का फुल डिस्क्रिप्टिव वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, ठीक है,
आपको अगर पीछे वाले वीडियो देखना तो आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, और शेयर करने के बाद आपका जितना भी फ्रेंड्स होगा दोस्तों, ठीक है, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप पर हो, ठीक है, कोई भी ग्रुप पर हो, तो उसे भी आप जुड़ने के लिए उसे बोलें दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।